नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इन पौधों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस पौधे के बारे में बात करेंगे। इन पौधों की पत्तियों से हजारों छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, इसीलिए इन्हें मदर ऑफ थाउजेंड कहते हैं। इन सब पौधों की देखभाल हमें एक जैसे ही करनी होती है, जैसे इनके पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करनी है, पॉट का साइज क्या होना चाहिए, फर्टिलाइज़र कितना दें, कैसे दें, सनलाइट और हम इन्हें पानी कितना दें, इनको लगाना कैसे है। ये भी सकुलेंट फैमिली का ही पौधा होता है। इनकी पत्तियों में काफ़ी पानी होता है, इसलिए हमको इनका ध्यान भी सकुलेंट की तरह ही रखना होता है। देखिए, ये मेरा पहला पौधा है। इसे मैंने लगाया तो एक छोटे से पॉट में था, लेकिन इसकी पत्तियों का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसकी पत्तियाँ काफ़ी भारी भारी हो जाती हैं, तो मुझे इसे फिर अपने बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ा। देखिए, इसकी पत्तियों के टिप्स में ना ऐसे ही छोटे छोटे पप्स निकलते हैं, इसी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं इसकी कोई पत्ती भी मिल जाए तो ये पत्ती से भी आसानी से हो जाता है। हमने इसको पत्ती से भी लगाया है, आराम से हो जाता है। बिल्कुल ऐसे पत्ती को आप कहीं पर भी रख दो, अपने आप ही इसके पप्स निकल जाएंगे वहाँ से। आपको ये छोटे छोटे पप्स दिखाई दे रहे होंगे, ये सब इसकी पत्तियों में ही लगे थे, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैंने इन सबको पत्तियों से हटा दिया। दोस्तों, ये वाला मदर ऑफ थाउजेंड देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें फूल भी खिलते हैं। अभी तो मेरे इसमें फूल आए नहीं हैं, जब आएंगे तो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए, इनके पॉट के साइज़ की बात कर लेते हैं कि इनको लगाने के लिए हमें पॉट का साइज़ कितना चाहिए। ये 4 इंच के पॉट से लेकर 6-7 इंच के पॉट में आसानी से हो जाते हैं। इनके लिए हमें बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे जैसे आपके कोई कप होंगे ऐसे बेकार पड़े हुए टूटे, आप उनमें भी लगा सकते हैं। हाँ, और अगर यदि इनका साइज़ ज़्यादा बढ़ रहा होगा तब आप इन्हें थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी जितनी भी वैरायटी की सकुलेंट है, मैंने सबकी पॉटिंग मिक्स एक ही तरह तैयार करी है। मैंने सबके लिए गार्डन सॉइल ली है, उसमें गोबर की खाद मिलाई है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप सॉइल मिक्स तैयार करें उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने एक छोटे से कप में लगाया हुआ है। ये तो हमारे यहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, तूफान बारिश काफ़ी आया है, तो इसलिए ये काफ़ी गीला गीला दिख रहा होगा। ये इसके अपने आप ही बीज झड़ के ये छोटे छोटे पप्स अपने आप ही उग आए हैं। आजकल हमारे यहाँ काफ़ी आंधी तूफान आ रहा है, बारिश भी हो रही है, तो इसकी पत्तियों के किनारे किनारे जो ये पप्स निकलते हैं वो सब झड़कर गिर गए हैं। देखिए ये सारे, वो तो मैंने थोड़ा बहुत इकट्ठा किए हुए हैं, ये अपने आप ही झड़कर ऐसे ही, अगर आप इन्हें लगाएंगे भी नहीं ऐसे ही डाल देंगे तो ये अपने आप ही उग जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, जितने ये मदर ऑफ थाउजेंड के पौधे होते हैं उनके ये पप्स ऐसे अपने आप ही झड़ते हैं, कहीं भी उड़कर भी चले जाते हैं किसी पॉट में और अपने आप ही उग जाते हैं, आपको कहीं भी लगाने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये झड़ते रहते हैं और उगते रहते हैं बहुत संख्या में। ये मेरी एक और मदर ऑफ थाउजेंड की वैरायटी है, इनको भी मैंने ऐसे 4-5 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, छोटे छोटे पॉट में ये आराम से हो जाते हैं। इनके भी ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ऐसे पप्स निकलते हैं यहाँ किनारे से, ये देखिए ऐसे ये, और ये भी ऐसे झड़कर अपने आप ही उग जाते हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, मेरे इस गमले में अपने आप ही इसके ये झड़े होंगे बीज और ये अपने आप ही कितने सारे उग गए हैं। और ये मेरी एक और वैरायटी है मदर ऑफ थाउजेंड की, इसकी पत्तियाँ बहुत ही प्यारी लगती है, गोल गोल घूमी हुई जैसी। ये एक छोटा सा पॉट है, शायद 3 इंच का पॉट होगा, इसमें कितने सारे उग गए हैं, ये अपने आप ही मैंने लगाए नहीं है, खुद ही झड़कर उग गए हैं। ये देखिए सब, मतलब ये अपने आप ही इनके वो झड़े हैं टिप्स से, इनके पप्स और सभी अपने आप उग गए हैं, मैंने भी हटाया नहीं क्योंकि अच्छे लग रहे थे इसलिए। दोस्तों, बात करें कि इनको अगर आपको पानी कितना देना है, तो ये भी सकुलेंट फैमिली के ही पौधे होते हैं, तो इन्हें भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब इनकी मिट्टी सूख जाए आप तभी इनमें पानी दें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें। ये देखिए, इसके ये टिप्स में ये जो इसके पप्स निकले हैं इससे ही आसानी से उग जाते हैं।
दोस्तों, बात करें सनलाइट की तो इन्हें अगर एक और आधे घंटे की धूप भी मिलेगी तो वो इनके लिए काफ़ी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत धूप मिलनी ज़रूरी है। मेरे सारे जितने भी प्लांट हैं इनको 3-4 घंटे की धूप आराम से मिलती है। आपको थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा होगा कि इनकी पत्तियाँ थोड़ी हल्की हल्की, इनकी पत्तियों का रंग बदला हुआ है। ज़्यादा धूप में रहने से थोड़ा इनका कलर चेंज हो जाता है। अगर आप इनको किसी डार्क प्लेस में रखेंगे हो तो जाएंगे, लेकिन इतने अच्छे नहीं होंगे जितना थोड़ा ये ब्राइट लाइट में होते हैं। दोस्तों, बात करें इनके फर्टिलाइज़र की तो मैंने सिर्फ इन्हें लगाते समय ही इनमें गोबर की खाद डाली थी, उसके बाद इनमें कुछ भी नहीं डाला क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र हो, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट की खाद हो, आप वो डाल सकते हैं, या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो। जो आपको डालना है ऐसे जो मतलब सकुलेंट वैरायटी के पौधों में आप डालते हैं, वही फर्टिलाइज़र आपको डालना है इसमें। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी मदर ऑफ 1000 के कोई भी एक छोटा सा पर्स मिल जाए या कोई पत्ती मिल जाए तो आप इन्हें आसानी से उगाकर हजारों पौधे बना सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।